हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और खतरनाक वीडियो में। तो संभल के बैठिए और अपने मोबाइल और हेडफोन को सेट कर लीजिए ताकि इस वीडियो के झटके से आपका मोबाइल और हेडफोन न गिर जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम समुद्र के 10 दुर्लभ जानवर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं कि धरती पर 7 महासागर है, जिसका सिर्फ 5% हिस्सा ही अभी तक हम मानव खोज पाए हैं। समुद्र महासागर की दुनिया इतनी बड़ी है कि इस दुनिया में न जाने कितने अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, जिसका अंदाजा हम कभी नहीं लगा सकते। समुद्री दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम जितना भी खोजे उतना ही कम है, और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें समुद्र में खोजा गया है। तो नंबर 1 पर है सोलोंग फिश। दोस्तों, अभी हाल ही में ताइवान के तट पर कुछ लोगों ने एक लंबे से प्राणी को देखा है, जिसे सोलोंग फिश के नाम से जाना जाता है, जिसका अधिकतम साइज 36 फीट तक होता है और इसका वजन 300 किलो तक हो सकता है। ये मछली ज्यादातर अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ये मछली जब पानी में तैरते हैं तो उसके पीठ पर बने पंख आगे से पीछे की तरफ होती है, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। वैसे तो ये मछली महासागर अगर की गहराई में ही रहती है, लेकिन जब भी कभी ये मछली ऊपर आती है तो ये भूकंप आने का संकेत होता है। तो जब भी ये मछली आपको दिखे तो समझ जाइए कि भूकंप का एक संदेश है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर है मरमिड। दोस्तों, आधी मछली और आधे इंसान की तरह दिखने वाली इस मछली को सब जलपरी के नाम से जानते हैं। इसकी कई रहस्यमय कहानियां हमने किताबों में पढ़ी है। ऐसे तो आपको YouTube पर जलपरी के कई फेक वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, उस वीडियो को देखकर खोजकर्ता भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें एक जलपरी को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने यही कहा कि जिस तरीके से प्राणी तैर रहा है उससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि असली जलपरी है। जब कैमरामैन ने उसका पीछा किया तो ये जलपरी वहां से भाग गई। नंबर 3 पर है वेल डेड बॉडी। दोस्तों, थॉमस नामक एक मछुआरा अपने पिता के साथ पश्चिमी मैक्सिको के तट पर साल 2022 में मछली पकड़ने के लिए निकला था। तभी उसे वहां पर तैरते हुई एक अजीब सी चीज दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई विशालकाय नाव पलट गया है, लेकिन जैसे समुद्री लहरें उस चीज को उसके पास लाई तो उसे दिखा कि ये कोई बोट नहीं, बल्कि ये तो एक मरी हुई व्हेल मछली है। उस मरी हुई व्हेल मछली से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अगर आपको कहीं मरी हुई व्हेल मछली दिखाई दे तो तुरंत आपको उससे दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया जहरीली गैस को बनाते हैं और इनकी मोटी चमड़ी के कारण वो जहरीली गैस बाहर नहीं निकल पाती। तब उसके शरीर में एक जोरदार धमाका होता है और ऐसे में उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी जान का खतरा होता है। इसीलिए जब भी मरी हुई व्हेल की बॉडी को पाया जाता है तो लोग उससे दूर भाग जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो बचे हुए जानवरों के पास चलते हैं, जिनका कोई नाम नहीं है बट उनके खतरनाक कारनामों ने उनको फेमस कर दिया है। तो इसी के साथ चलते हैं 4th नंबर पर। कुछ समय पहले समुद्र में घूमती हुई कमर्शियल शिप्स ने दावा किया था कि उन्होंने सोमाली के उत्तरी समुद्री तट पर चमकीली सी लगातार घूमने वाली एक चीज देखी है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और इस बात को हल्के में ले लिया, लेकिन जब बार बार इस तरह के हादसे बढ़ने लगे तो उन्होंने सैटेलाइट की मदद से उस जगह की तस्वीर ली और ये बात सच साबित हुई कि सच में एक चमकती हुई चीज घूम रही थी, जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्की सी फैक्ट नाम दिया। लेकिन आज तक वैज्ञानिक बता नहीं पाए कि आखिर वो चीज क्या थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो एक रहस्यमय समुद्री जीव थी। अगर कोई इसके पास जाएगा तो वो खुद मौत के मुंह में जाने का काम करेगा। नंबर 5 पर है ब्रुनोई नदी में तैरता हुआ एक भयानक जीव। दोस्तों, साल 2021 में कुछ मछुआरों ने ब्रुनोई नदी पर एक भयानक से तैरते हुए जीव को देखा, जिसके ऊपर की अलग से दो दांत दिख रहे थे, जिसके बाद मछुआरे ने उसका वीडियो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन उस वीडियो के सच का पता आज तक नहीं चल पाया। लेकिन ये जो भी क्रिएचर था सच में बहुत ही भयानक था। नंबर 6 पर है लॉचनेस मॉन्स्टर। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि लॉचनेस मॉन्स्टर एक बड़ा सा विशालकाय दानव होता है जो समुद्र के अंदर रहता है। समय समय पर कुछ लोग देखे जाने की बात करते रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि ये डायनासोर की प्रजाति का एक विशालकाय सी क्रिएचर है, जिसकी मौजूदगी के कई बार दावे किए जा चुके हैं। लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि ये एक दैत्य का जीव है जो स्कॉटलैंड की लॉसनेच नदी में रहता है, जिसकी गर्दन काफी लंबी होती है और ये करीब 50 साल में एक बार ही समुद्र से अपनी गर्दन को बाहर निकालता है। नंबर 7 पर है वोट के पीछे पड़ा रहस्यमय जीव। तो दोस्तों कई बार कैमरे में कुछ ऐसी भी जीव रिकॉर्ड हो जाते हैं जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद उन पर कोई भी यकीन नहीं करता। साल 2022 में देर रात तक करीब 2 बजे एक शख्स मैक्सिको के गहरे समुन्द्र में अपनी बोट को चला रहा था, तभी उसकी बोट के पीछे एक बेहद ही डरावना जीव पड़ गया। जैसे ही उस शख्स को पता चला तो उसने बोट की स्पीड को और भी तेज कर लिया, लेकिन तब भी वह जीव उसका पीछा करता ही रहा। उसकी आंखें और उसके तैरने की गति बताती है कि ये कोई साधारण जानवर नहीं था। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई, जब उसे पूछा गया तो उसने बताया कि उसने इस जीव को अपनी आंखों से देखा है और उसे देख कर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में है और वो बस अभी बोट पर हमला करने वाला ही है। नंबर 8 पर है बोट पर मिला रहस्यमय जीव। दोस्तों जब इस अजीबोगरीब जीव को लोगों ने देखा उनके होश उड़ गए और वे इसे देखते ही इससे दूर भाग गए, क्योंकि ये देखने में ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ की टहनी हो और पेड़ की टहनियों की तरह अपने आप को हिला रहा था। उसको देख कर तो और भी ज्यादा डर लग रहा था। जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को पता चला कि ये बांस के स्टार नाम का एक अनोखा जीव है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। इसमें खून की एक बूंद भी नहीं होती, ये बहुत ही कम ही समुद्र से निकलता है, जिसकी वजह से इसे दुर्लभ जीव की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे इसको देखने से ये जीव जैसा कम और खतरनाक पेड़ जैसा ज्यादा लग रहा है। नंबर 9 पर है सबसे डरावना जीव। लोग इस जीव को देखते ही भागने लगे। साउथ अफ्रीका में नदी के किनारे लोगों को एक ऐसा अजीबोगरीब जीव दिखा जिसे देखकर कुछ लोग तुरंत ही भाग गए, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा तो उन्होंने बोला कि उसे देखकर बता पाना मुश्किल है कि वो किस तरह का जीव था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वो एक मगरमच्छ है। लेकिन जब वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये एक नरभक्षी जीव है जो अक्सर ही इंसानी मांस की तलाश में नदी से बाहर निकलता है और पैर से पकड़कर इंसानों को नदी की गहराई में ले जाता है। लेकिन दोस्तों इस जीव को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक मगरमच्छ है, लेकिन वह मगरमच्छ से मिलती जुलती प्रजाति का कोई जीव लग रहा था। नंबर 10 पर है समुद्र में दिखा बर्फीला मॉन्स्टर। दोस्तों यूं तो कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज की विशालकाय बर्फ के टुकड़े से टकराने की वजह से डूबा था, लेकिन इस शिप में सवार सभी यात्री शायद खुश नसीब थे। हालांकि ये बर्फ का टुकड़ा था या कुछ और पता नहीं चल पाया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि ये ब्लैक आइज है, तो वही कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये गॉडजिला हो सकता है या फिर समुद्री मॉन्स्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा क्रिएचर ने सबसे ज्यादा डराया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।